हेलो दोस्तों, मैं संदीप, नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने की ट्रिक्स। दोस्तों, क्या है वो ऐसी ट्रिक्स जिसकी वजह से ड्रीम इलेवन में रैंक वन आती है? क्या वो बातें हैं, क्या वो बारीकियां हैं जिनको हम आज डिटेल में समझेंगे दोस्तों। और आपने अगर मेरा ये पूरा वीडियो देखा ना दोस्तों, तो आज आपकी रैंक वन लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आने वाले आप मुश्किल से 5-10 मैचों में ही अपनी टीम को ग्रो कर पाएंगे। आपकी टीम जो लाखों नंबरों पीछे जा रही थी, हजारों नंबर में भी नहीं आ रही थी, वो आपकी टीम रैंक में आने लगेगी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं ग्रैंड लीग में हम जो टीम क्रिएट करेंगे उसी के माध्यम से जानते हैं कि हम क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या नियम, क्या क्या सावधानियों के साथ टीम क्रिएट करेंगे और जीतेंगे ग्रैंड लीग का फर्स्ट नाम 1 करोड़। चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा आज का सवाल है, GL ड्रीम 11 में रैंक वन लाने की ट्रिक्स, ये ट्रिक्स क्या है दोस्तों? आज हम इसी पे खुल के बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक टीम क्रिएट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हम बैटर्स, फिर बैटर्स बैटर्स ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा। दोस्तों, जब हम टीम चुनते हैं इसी तरीके से, आप लोग टीम चुनते हैं, हमको 11 पूरे करने होते हैं ड्रीम इलेवन में कॉन्टेस्ट खेलने के लिए। शुरू में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो एक विकेट कीपर ले लेते हैं। दोस्तों, ये विकेट कीपर हमने एक ले लिया जो कि बैट्समैन ही होता है। उसके बाद हम अमूमन 4 बैट्समैन चुन लेते हैं, तो हमारे टोटल प्लेयर हो गए 5। अब हम दोस्तों ऑलराउंडर लेंगे, उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन से 2 ऑलराउंडर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, टोटल हमारे हो गए 7। अब हम जब बढ़ते हैं दोस्तों बॉलर सेक्शन में, यहां से हम क्रिएट करते हैं बॉलर। ये हो गए दोस्तों 5 बैटर, 2 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स। 5, 2, 7, 4, 11, ये हमारी टीम क्रिएट हो गई। इसी तरीके से टीम बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिक्स का फॉर्मूला, ट्रिक्स का फंडा दोस्तों यहीं पर काम करता है, विन 1 करोड़, विन करोड़। ये फंडा अब हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे क्या हमारी जो कमियाँ हैं जिनको हम दूर करके विन 1 करोड़ वाली टीम बनाएंगे और 1 करोड़ जीतेंगे। पूरा यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको इतनी बारीकी से, इतना सरल तरीके से पूरा मैप समझाऊंगा जिससे कि आपकी टीम 1 करोड़ विन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ तक तो समझ में आएगा ना दोस्तों, ये हमारी टीम क्रिएट हो गई, इसको हम हटा देते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारी टीम है जो हमने चुनी है, बैटर 5, ऑलराउंडर 2 और बॉलर 4, 5, 2, 7, 4, 11, ये हमारी टीम क्रिएट हो गई थी अभी तक हमने जो किया है। अब हमको जो हमारी जो ट्रिक्स यूज करनी है वो यहाँ पे करनी है, इस जगह पे टॉस के बाद। सारा खेल होगा दोस्तों टॉस, टॉस द बॉस, द बॉस, टॉस द बॉस, ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। दोस्तों, आप ये बात भूल जाइए कि आपने टीम को जो क्रिएट किया था मैच से, घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, कभी आपने टीम क्रिएट की थी, दूसरी वेदर रिपोर्ट, एवरेज
बैटिंग स्कोर, पिच किसको मदद कर रहा है, ये चीज़ें देख के हम टीम बना लेते हैं। जैसा आपको कर लेना है बेसिक, ये बेसिक जानकारी दोस्तों जो आप करोगे। उसके बाद जब टॉस हो जाएगा दोस्तों, अब हमारी ट्रिक्स काम करेगी जिसके लिए हमने आज का वीडियो बनाया है, और जहां से रैंक वन आती है यही एक फॉर्मूला है दोस्तों। अब सुनिएगा पूरी ट्रिक्स, टॉस के बाद का ज्ञान दोस्तों। मान लीजिए कि जो पहले बैटिंग करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी, टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट कर रही है, टॉस विन डिसाइडेड टू बैट, है ना, टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है जो टीम, टॉस जीत यानी कि बैटिंग को मदद कर रहा है, बैटिंग विकेट है ही सही, हमने टीम भी बना ली, एक बैलेंसिंग बना ली थी। अब मान लीजिए दोस्तों हाई और लो स्कोर वाले विकेट की बात रहेगी, मान लीजिए दोस्तों कि टोटल हाई स्कोरिंग पिच है, हाई स्कोरिंग पिच 200 प्लस बनेंगे, चल अब दोस्तों बनो 250 बनो, 240 बनो, 220 बनो, कुछ भी बनो, हमको मोटा मोटा गणित क्या लेके चलना है, टॉस जीत के बैटिंग करने आई टीम और ये बैटिंग विकेट है और टॉस द बॉस और सारी चीज़ें होने के बाद जो हमारी टीम थी, अब जो हमारे पास 20-22 मिनट जो बचेंगे टॉस के बाद जो बचते हैं, अनाउंस भी टीम हो जाती है, अगर हमारा एक आध प्लेयर नहीं खेल रहा किसी की वजह से तो बैकअप में से आ जाएगा अनाउंस के बाद, वो सारी चीज़ें हो गई, कप्तान वाइस कप्तान सब हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा, हाई और लो, लो दोनों कंडीशन में हमको मैक्सिमम रिस्क, हमको फुल रिस्क के तौर पर टीम क्रिएट करनी है, एक टीम तो हमको ऐसी बनानी ही है दोस्तों, समझना पूरा गणित। अब क्या करना है दोस्तों, जो पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीत के, उसके हमको ले लेने हैं यहां से 5 बल्लेबाज, प्योर 5 ऊपर के खिलाने, फर्स्ट से 5 डाउन तक, 2 खिलाने सेकंड वाली के, ये सेकंड और ये फर्स्ट बैटिंग है ना, ध्यान रखना है ये बैटिंग, ये बैटिंग, ये तो हो गया बैटर। एक ऑलराउंडर जो हम लेंगे दोस्तों वो इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है दोस्तों। अब दो बॉलर हम लेंगे दोस्तों, फर्स्ट बैटिंग वाली का एक बॉलर लेंगे हम इसका, यानी इस कंडीशन में हम 5, 2, 7, 4, 11 ये टीम हमारी क्रिएट रहेगी दोस्तों, फुल रिस्क के साथ हमको ये टीम क्रिएट करनी है हाई स्कोरिंग में। 5 बल्लेबाज ये ले लेने और 2 इसके बॉलर ले लेने, 7 ही हो गए, 2 बैट्समैन सेकंड बैटिंग वाली के लेने, 1 ऑलराउंडर लेना, 1 बॉलर लेना, ये टीम हमको क्रिएट करनी है। हम तो मान के चल रहे हैं दोस्तों के 250 रन, 240 रन, 220 रन जो भी बनेंगे, और ये फर्स्ट बैटिंग वाली टीम के 3-4 विकेट से ज़्यादा गिरेंगे नहीं, बाद वाले के 2-3, 6-7 विकेट भी गिर जाते, बाद के 2-3 विकेट से कोई लेने 19-20 ओवर में होते हैं, उसको तो आप भूल जाओ, आप तो मान लो कि 4 विकेट गिरे, तो ये ऊपर के 250 रन ये बना देंगे, तो ये ड्रीम टीम में आने ही आने हैं, 4-5, 4 तो आने ही आने हैं, 5 की जगह 4 ही आए मान लो आप, 5 भी नहीं आए, फिर जब ये बॉलिंग करने आएगी ना दोस्तों टीम, तो ये टीम 240 स्कोर चेस करेगी, ये तो 10 में से एक बार होगा या 2 बार होगा, 20% हाईएस्ट चांस होते हैं चेस करने के, होंगे नहीं चेस, लेकिन ये फाइट तो करेगी 240 के स्कोर में फाइट करके 180 190 200 तक तो पहुंचेगी पहुंचेगी, ये तो आप मान के चलिए। तो कम से कम 2 बल्लेबाज और 1 ऑलराउंडर इनके रन बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, और 4-5 विकेट, 3-4 विकेट जो होंगे ना उसमें से एक इनका मेन बॉलर ही 2-3 विकेट लेगा जो ड्रीम टीम में आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होना इधर से। अब बचे जो ये 2 बॉलर हैं, ये 2 बॉलर दोस्तों इनके जो 6-7-8 विकेट पे 180-190-200 रन के आसपास जो ये पहुंचेगी, मान लीजिए जीतेगी नहीं, 90% जान तो होता है जीतेगी नहीं, उसी आधार पर हम टीम बना रहे हैं, फुल रिस्क वाली टीम, पूरा पहले से गणित सोच के कि ऐसा ही होगा, ये 2 बॉलर विकेट लेंगे तो ये 2 ड्रीम टीम में आएंगे, 5 में से 4 ड्रीम टीम में आएंगे, यानी कि 7 में से 6 तो हमारे ड्रीम टीम में आ गए, ये डीटी हाई स्कोरिंग विकेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 2 प्लेयर हमारे ड्रीम टीम में आएंगे क्योंकि ये रन बनाएंगे, बैटिंग करना है, ऑलराउंडर तो अपना परफॉर्मेंस देगा ही, विकेट भी ले सकता है, 4-5 जो विकेट होंगे, 3-4 जो विकेट एक हाथ, और ये रन भी बनाएगा ही बनाएगा सॉलिड,
तो हमको टॉप क्लास का ऑलराउंडर ले लेना है, एक बॉलर जो टॉपर है हम वो लेंगे। तो 90 से 100% चांस, पूरे 100% मानिए दोस्तों आप, ये चार प्लेयर डीटी में आएंगे। डीटी तो 4, 6, 10 डीटी में आते हैं और रैंक वन आती है। नो प्लेयर पे भी रैंक वन आती है दोस्तों, लेकिन हाई स्कोरिंग मैच है तो उसमें भी अमूमन आप 10 तो मानिए, पूरे पूरे 11 इसलिए नहीं आ पाते हैं ड्रीम इलेवन में, क्योंकि विकेट होते नहीं है फर्स्ट बैटिंग वाली के ज़्यादा, या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं सेकंड बैटिंग वाली के बहुत सारे प्लेयर, तो ड्रीम टीम में आ नहीं पाते हैं। 20 पॉइंट 23 पॉइंट 19 पॉइंट 25 26 पॉइंट इस आधार पर उनके पॉइंट रहते हैं, तो पूरे पूरे प्रॉपर 11 डीटी में नहीं आते हैं, ये आप मान के चलना। और इस कंडीशन में आपके सबसे ज़्यादा चांस होंगे रैंक वन लाने के, जब 1 to 10 जो रैंक होती है, 1 to 5 मान लो आप 10, तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, लंबी हो गई हो तो 1 to 5 में आपकी रैंक आएगी। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना टॉस के बाद, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हाई लो स्कोर की तरफ। अब दोस्तों हम समझेंगे लो स्कोरिंग विकेट। मान लीजिए दोस्तों के जो टॉस जो बॉस था, टॉस के बाद जो टॉस जीत रही है टीम, उसने बॉलिंग चुनी, ठीक है दोस्तों, यानी कि बॉलिंग की तरफ ये विकेट जा रहा है। अब हम फुल रिस्क वाली टीम बनाएंगे बॉलिंग साइड से, ये फुल रिस्क, रोजाना 49 लगा के तो हम खेल रहे हैं, 1, 10, 15, 20 टीम बना के, वैसे भी हमारी कोई रैंक आ नहीं रही है, ठीक है ना दोस्तों, रैंक जोड़ो दोस्तों हम हजारों में भी नहीं आ रहे। तो अब हम फुल रिस्क वाली टीम बनाएंगे 100%, ये टीमें चलती है, आपको ने अभी हाई स्कोरिंग में देखा ऐसा होता है, लो स्कोरिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगा ना जो चार्ट के तौर पर। दोस्तों आप कहोगे कि हाँ मैच के बाद तो 10 में से 7 बार 8 बार तो लो स्कोरिंग विकेट पे यही हुआ है, इस तरह की ड्रीम टीम बनी है और इस तरह से रैंक आई है, और हमारी टीम रहती नहीं क्योंकि हमने तो सेफ टीम बना रखी है, सेफ बिल्कुल हम सेफ है, तो फिर सेफ है, 49 रुपए ले लो, ज्यादा से ज्यादा जोर मार लो, सीवीसी चल गया तो 60 ले लो, बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक। अब समझना दोस्तों, मान लीजिए फर्स्ट जिसने टॉस जीता वो बॉलिंग करने आ गई, बहुत अच्छी टीमें हैं, बाकी चीजें हम पहले देख ही लेंगे, अब हमको तो सिर्फ टीम से मतलब है, क्या हमको 11 लेने हैं। अब इस स्थिति में दोस्तों बैटर्स रहेंगे 3, ऑलराउंडर रहेंगे 4 और बॉलर्स रहेंगे 4, ये 11। दोस्तों इस स्थिति में फर्स्ट बैटिंग का हम एक बैट्समैन लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक दोस्तों, यहां पे हम लेंगे 1, यहां पे हम लेंगे 2, यहां पे हम लेंगे दोस्तों 2, यहां पे हम लेंगे 2, यहां पे हम लेंगे दोस्तों 2, यहां पे हम लेंगे दोस्तों 2। अब समझना पूरी गणित दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगा, ये जो हमने 2-2-2 का जो रेशो रखा है, 2 बैटर 2 ऑलराउंडर 2 बॉलर्स सेकंड बैटिंग करने आई, 10 में से वही 70-80% चांस रहेंगे जो बॉलिंग करने आएगी उसके जीतने के, वो 110 से 125 इस टीम को निपटा देगी जो फर्स्ट बैटिंग करने आएगी, शुरू के 2-4 तो ये ऐसे निपटा देंगे जो पेसर्स आएंगे शुरू में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टिक टुका के एक बल्लेबाज रन मारेगा, जितने भी मारेगा 30-40 रन, एक तो मारेगा इसे ही, एक हम बैटर लेंगे, 2 ऑलराउंडर लेंगे जो ये जूझते हुए अपनी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि बॉलिंग विकेट पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ऑलराउंडर, इसलिए हमने लिए 4, ये देंगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है ना दोस्तों, तो 30-32 पॉइंट में ड्रीम इलेवन में वो प्लेयर आएगा, ठीक दोस्तों। 1, 2, 3 और ये 2 हमारे बॉलर लेंगे जो बाद में हमारे काम आएंगे। अब दोस्तों ये जो 2 बैट्समैन हमने जो लिए हैं सेकंड बैटिंग करते हुए, ये अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ स्कोर रहेगा 110, 120, 115, 118, तो इनमें हाई कॉन्फिडेंस होगा जो शुरू में आएंगे ना ये 1 से 4 तक में बल्लेबाजी करने, ये रन मारेंगे, अच्छे रन मारेंगे, जीतने के चांस हम इसको ही लेके चलते हैं कि सेकंड बैटिंग वाली ही जीतेगी,
फुल रिस्क के साथ हमको टीम बनानी है, बात ही खत्म, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। ये जो ऑलराउंडर में है ये इसलिए लेंगे दोस्तों कि ये शुरू में 2-3-4 विकेट तक दे देंगे, उसके बाद ये थोड़ा टाइम खेलेंगे, तो ये विकेट लेने में हमको मदद करेंगे ऑलराउंडर, इसलिए 2 यहाँ से हम इसके लेंगे। और 2 बॉलर जो कि शुरू में लेंगे तो निपटाई देंगे, और ये बैटिंग करने आएंगे सेकंड में तो ये बैटिंग करेंगे, तो ये तो 6 ही मान के चलो आपके DT ड्रीम टीम में आएंगे 6 प्लेयर सेकंड में से, क्योंकि हमने जीत मान ली है सेकंड की, ये मान के चलो आप। बचे यहाँ पे ये 5 में से एक बैट्समैन तो आएगा ही सही, कोई रोकेगा ही नहीं इसको, तो 2 ऑलराउंडर भी आएंगे, ऐसे एक ही चला, 4 तो ही आएंगे, यहाँ भी 4, ये DT ये DT, ठीक है दोस्तों, 4+6 ये 10 DT में सोलिड आएंगे, ये आप मान के चलना। और हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग में यही स्थिति है, लो स्कोरिंग में भी दोस्तों 11 तक मैच जाएगा नहीं, ये बैलेंस पे होता है, ज़्यादातर के 11 ही ड्रीम टीम में आते हैं, ये 9-10 वाले ही ड्रीम टीम में आएंगे और आपको रैंक दिलाएंगे। 11 वाला होगा वो तो वही 20-22-25 पॉइंट वाला होगा, तो आपके 10 चलने के चांस सबसे ज़्यादा हैं लो स्कोरिंग में भी, लेकिन आपको टीम ऐसी ही बनानी पड़ेगी। ये देख लीजिए आप दोस्तों टीम जो मैंने बनाई है, इसी तरीके से आपको टीम बनाकर खेलना होगा, जब जाके दोस्तों आप फुल रिस्क के साथ टीम बनाएंगे तो होता यही है, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग जो मैच होता है, आपको होता है ग्रैंड लीग ड्रीम 11 में रैंक 1 लाने की ट्रिक्स, यही ट्रिक्स है दोस्तों। जब भी दोस्तों इस तरह के मैच होंगे हाई और लो, उसमें होता ही दोस्तों हाई में यही होगा दोस्तों कि कम से कम 7 बल्लेबाज ड्रीम टीम में होते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को, जैसे कि हम टीम चुनते टाइम कभी भी नहीं लेते 7 बल्लेबाज। और ऐसा ही दोस्तों जब लो स्कोरिंग होगा ना बिल्कुल 110-115 वाला, तब कम से कम 3-4 ऑलराउंडर होते हैं ड्रीम टीम में, ये बात मान के चलिए आप, और 3-4 ही बॉलर, यानी कि 4 बॉलर 4 ऑलराउंडर तो ड्रीम टीम में होते ही हैं जब बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच होता है, और 2-3 ही बल्लेबाज होते हैं। तो आप जब टीम क्रिएट करें पूरी कर लीजिएगा, टॉस के बाद आपको इस ट्रिक के आधार पर चेंज करने हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप हाई स्कोरिंग वाले मैच की टीम क्रिएट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ तक हो, पहले या दूसरे नंबर के ही प्लेयर को आप जो फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी को ओपनर को कप्तान ले लेना है, या 3 में से आपको जो ज़्यादा उस सिचुएशन में लगता है उसी को कप्तान लेना, ऐसे नीचे आपको जाना ही नहीं है। दूसरा दोस्तों सेकंड बैटिंग में से जो 2-3-4 में बल्लेबाजी करने आएगा, 3-4 वाला मान लो आप, उसी में से आपको कप्तान वाइस कैप्टन चुनना है। हाई स्कोरिंग मैच में ध्यान रखना फर्स्ट बैटिंग में कप्तान, सेकंड बैटिंग में वाइस कैप्टन, दोनों बैटर की तरफ ही आपको जाना है, तभी आपके पॉइंट रैंक 1 वाले आएंगे, क्योंकि जब तक आपका CVC नहीं चलेगा आपकी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि लाखों यूजर्स बैठे हुए हैं अपनी अपनी टीम लेके, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन सारे 7 प्लेयर को 7 बल्लेबाजों को नहीं ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। कई बार होता है दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच में एक बॉलर ही होता है ड्रीम टीम में, कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये रिस्क आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको GL जीतना है। तो लो स्कोरिंग वाले मैच में आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कप्तान चुना, सेकंड बैटिंग का बॉलर ही आपको कप्तान लेना है। हम रिस्क तो ले रहे हैं तो फुल ही लेंगे ना, 100% लेंगे, मान के चलेंगे कि यही होगा, तो होता भी है 10 में से 8 मैच जो होते हैं हाई स्कोरिंग वाले, 10 में से 8 या हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग वाले 10 में से 8, उनमें ऐसा ही होता है दोस्तों। जब हम टीम देखते हैं ना DT वाली पूरी, कौन कौन ड्रीम टीम में है, हमारे कितने आए, अरे 7 ही आए, 8 ही आए और 2 और बाकी रह गए, ये ज़्यादा ज़्यादा बहुत अच्छा नसीब है तो 9 आ जाते हैं, 2 ऐसे ही बाकी रहते हैं, या तो कप्तान नहीं चलेगा, वाइस कैप्टन नहीं चलेगा, या हमने 1-2 बल्लेबाज कम लिया हाई स्कोरिंग में, या बॉलिंग वाले पे ऑलराउंडर और बॉलर की तरफ हम थोड़ा सा कम गए, बैट्समैन की तरफ ही रह गए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। सेल क्रेडिट ये सारी चीज़ें ठीक है जब हम टीम चुनते हैं, कीपर वीपर सब ठीक है, लेकिन जब मैच इस कंडीशन के होते हैं जो आपको पता है, हर दूसरे तीसरे मैच यही कंडीशन के हो रहे हैं, बैलेंस मैच होता है 2 तो एक होता है हाई एक होता है लो, विकेट ऐसे बनाती है ICC, इस तरह के मैच होंगे ही होंगे, क्योंकि सभी तरह के विकेट पे सभी तरह के बॉलर बैट्समैन और
ऑलराउंड को मदद नहीं मिलेगी तो क्रिकेट बचेगा कहाँ, क्योंकि क्रिकेट वैसे ही कम ओवर का हो गया है। 50 ओवर, पहले 60 ओवर का वनडे होता था, फिर 50 ओवर का जब वनडे हुआ, उसके बाद जब T20 होने लगे 20 ओवर के, तो बहुत सारी लीग चलने लगी है, तो सारा फोकस तो बल्लेबाजी पे है। हर कोई बल्लेबाज शतक मार देता है, 20 साल पहले शतक पड़ता ही था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों मेरा, कि विकेट इस तरह के बनते रहेंगे, उस तरह के मैच होते रहेंगे। आप मैच के बाद अफसोस मत करिए कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारी टीम में 2 कम रह गए, 1 कम रह गया ग्रैंड लीग में, ऐसा वैसा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो सॉलिड आपकी रैंक आएगी। फुल रिस्क आपको लेना पड़ेगी इस तरह के मैचों में। तो दोस्तों ये आपके लिए मेरी एक शानदार पेशकश थी। ऑल द बेस्ट।